नमस्कार, मैं सिद्धार्थ शर्मा सुराजलाल न्यूज चैनल से। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल काशीपुर पहुंचेंगे, जहां जसपुर, बाजपुर और काशीपुर की करोड़ों रुपए की लोकार्पण योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। वहीं आपको बता दें कि जो काशीपुर और जसपुर का भाजपा कार्यालय है, उसकी का भी भूमि पूजन किया जाएगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पीसीयू के चेयरमैन श्री राम मेहरोत्रा जी। उनसे पूछेंगे कि किस तरह से सीएम धामी का कल का प्रोग्राम है और काशीपुर को क्या बड़ी सौगात मिलने जा रही है। सर, आपका सुरागी लालू चैनल में स्वागत है। किस तरह से कल सीएम धामी का काशीपुर दौरा है, किस तरह से तैयारियां चल रही हैं? देखिए, कल सीएम साहब का, पुष्कर सिंह धामी जी का यहां पर आगमन है और यहां पर बीजेपी कार्यालय का भूमि पूजन और कुछ योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का भी कार्यक्रम है जो यहाँ पर आकर वो करेंगे। और ये एक भव्य कार्यालय जो है वो भाजपा का बनने जा रहा है। माननीय अमित शाह जी ने जो संकल्प लिया था कि पूरे देश में हर जिले में कार्यालय बनाएंगे, उसी संकल्प के तहत आज भारतीय जनता पार्टी ने लगभग सभी जिलों में कार्यालय बन गए हैं। कुछ में जो रह गए हैं वो अभी कार्य चल रहा है, उसी के तहत आज यहाँ पर कल यहाँ पर भूमि पूजन का कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे महामंत्री संगठन अजय जी और महेंद्र भट्ट जी द्वारा जो है वो किया जा रहा है। और ये बड़ा कार्यक्रम है, इसमें पार्टी के सभी पूरे जिले के कार्यकर्ता यहाँ पर होंगे और एक भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। कार्यालय की अगर बात करें तो कितनी लागत से हाईटेक कार्यालय बन रहा है ये कार्यालय जो है? ये जमीन, इसकी जो भूमि है वो हमने 2017 में खरीदी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से अभी तक ये कार्यालय नहीं बन पाया था। और अब जो है इसका जो लगभग जो इसके कार्यालय को बनाने की जो लागत है वो 2.5 करोड़ के आसपास है। ये थोड़ी बहुत कम बढ़ती भी हो सकती है और ये बहुत भव्य और बड़ा कार्यालय बन रहा है। और इसकी भूमि भी करीब जो है वो 7,500 फुट है और इसमें एक भाजपा का जो है 3 मंजिल का जो है वो पूरा कार्यालय बन रहा है। तो कार्यालय की अगर बात करें तो इसमें किस प्रकार के पदाधिकारी जो है बैठेंगे? इसमें जिले के सभी पदाधिकारी बैठेंगे, साथ ही साथ ये हाईटेक होगा। यहाँ पर जैसे हमारी वर्चुअल मीटिंग्स होती हैं या जो पार्टी के कार्यक्रम होते हैं उसके लिए एक बड़ा हॉल भी बन रहा है। इसमें सारी व्यवस्थाएं, इसमें एक हाईटेक कार्यालय की जो है वो दी जा रही है। और ये पूरे देश में हो रहा है, खाली काशीपुर ही नहीं, पूरे देश में इस तरीके के कार्यालय बने और बन रहे हैं। तो ये जो है पूरा वर्चुअल मीटिंग्स, पार्टी की मीटिंग है, पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, जिलाध्यक्ष हैं, वो सब यहाँ पर बैठ कर समय समय पर कार्यकर्ताओं से, मंडल अध्यक्ष हो गए वो उनसे वार्ता जो, और हमारे मोर्चे प्रकोष्ठ हैं उनके लोगों से वार्ता और उनके कार्यक्रम यहाँ पर सब हुआ करेंगे। तो आपके हमारे साथ पीसीयू के चेयरमैन राम मेहरोत्रा जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि कल कार्यालय का भूमि पूजन किया जाएगा और साथ ही जो भाजपा जिला कार्यालय है एक हाईटेक कार्यालय बनेगा। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, इस समय तैयारियां चल रही हैं जोरों शोरों से कि जो भूमि पूजन यहीं पर जो है, जो भाजपा का जिला कार्यालय है उसकी कल सीएम धामी जो है यहाँ पर आकर भूमि पूजन करेंगे। आप देख सकते हैं मैं इस समय बाजपुर रोड पर हूँ और चारों तरफ जो है होल्डिंग्स लग रही है। प्रशासन की जो टीम है वो लगातार मुआयना कर रही है। और इसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के जिला उपाध्यक्ष लवीश अरोरा जी, उनसे भी पूछेंगे किस तरह से एक भाजपा कार्यालय अब हाईटेक होने जा रहा है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ और एक निमंत्रण भी देना चाहता हूँ कि कल हमारे जिला कार्यालय का भूमि पूजन का कार्यक्रम है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, महामंत्री संगठन आदरणीय अजय जी भाई साहब और हमारे सांसद एवं केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट जी मौजूद रहेंगे। तो कुछ इस तरीके का कार्यक्रम है कि सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री जी यहाँ पहुँचेंगे और कार्यालय का भूमि पूजन और उसके बाद अनेकों योजनाओं का लोकार्पण यहाँ पर रहेगा। और एक अद्भुत सा उत्साह मैं कहूँगा कि कार्यकर्ताओं में है और जो बूथ तक के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो नई समितियाँ हमारी बनी हैं, उन सबको कल निमंत्रण भेजा गया है और सभी कल यहाँ पूरे काशीपुर जिले के सभी कार्यकर्ता जो नई बूथ समितियाँ तक बनी हुई, मंडल अध्यक्ष, जिला पदाधिकारी, मोर्चों के सभी जिला अध्यक्ष, जिला पदाधिकारी, जितने मंडल तक के कार्यकर्ता हैं, बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता हैं, मैं कहूँगा पन्ना प्रमुख तक कल यहाँ पर मौजूद रहेंगे। एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक भाजपा कार्यकर्ता यानी जो संगठन के पदाधिकारी थे, एक बैठने का ठिकाना, अब एक नया पता जो है संगठन का वो काशीपुर बाजपुर रोड पर भाजपा का कार्यालय है। जी देखिए, आप ये जानते हैं सिद्धार्थ जी कि कितना हाईटेक राजनीति आज के ज़माने में हो गई है और कितना हाईटेक चुनाव की रणनीति जो इस टाइम बनानी पड़ती है। तो सभी सुविधाओं से लैस ये जो नवनियुक्त हमारा कार्यालय बन रहा है, तो कार्यकर्ताओं के लिए यहाँ मीटिंग हॉल, सबके अपने अपने
दायित्व के हिसाब से कक्ष और कॉन्फ्रेंस रूम, आईडी रूम, इस तरीके से सब यहाँ पर सुविधाएं इस कार्यालय में उपलब्ध रहेंगी कार्यकर्ताओं के लिए। तो आपके हमारे साथ भाजपा के जिला उपाध्यक्ष लवीश अरोड़ा जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि कल सीएम धामी के दौरे को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि इस समय वाजपुर रोड पर होल्डिंग्स लगाई जा रही है, प्रशासन भी लगातार निरीक्षण कर रहा है कि किस तरह से कार्यक्रम को सफल बनाया जाए। वहीं यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से कराने के लिए भी पुलिस जो है लगातार मूव कर रही है। सिद्धार्थ शर्मा, सुरागी लाल निश्चल, काशीपुर। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।